अब गर्मियां अपने परवान पे है और पानी की समस्याएं लगातार आ रही हैं। और आज वार्ड नंबर 1 के पार्षद के नेतृत्व में वार्डवासी यहाँ वाटर वर्क्स के कार्यालय में पहुँचे हैं और पानी की समस्याओं के बारे में यहाँ पे ये अपनी समस्याएं रखने के लिए आए हैं। और मेरे साथ हैं सत्येंद्र जी, वार्ड नंबर 1 से जो पार्षद हैं, इनसे जानते हैं क्या समस्याएं हैं। हमारे वार्ड के अंदर पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे वार्ड के अंदर पीने का पानी ना दिन में ना रात में हमें बिल्कुल भी कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। ठीक है, इसके समक्ष में आज हमने यहाँ वाटर वर्क्स में आए हैं इनसे बात करने के तो लिए। कोई अधिकारी से आपकी वार्ता वगैरह हुई कुछ? वार्तालाप हो रही है, वार्तालाप के अंदर यही बता रहे हैं भी 1 नंबर वार्ड के अंदर पानी भेजने के लिए यहाँ आपका बिल्कुल टेल एरिया है, यहाँ पानी नहीं पहुँच सकता। यहाँ से हम अगर पानी छोड़ेंगे तो रात में 1 या 2 बजे के में पहले पानी नहीं पहुँच एक सकता। तरह से इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हाँ, अपने एक स्तर पे। तरह हाथ खड़े हैं। किस तरीके के कितना पानी आता है, क्या समस्याएं हैं, आप अपने शब्दों में बताइए। पानी थोड़ा कभी कभी आता है, 3 4 दिन में आता है, 3 4 दिन में आता है 3 4 दिन में, वो भी अगर कोई मोटर चल जाए तो किसी के पानी नहीं भरता है। पूरे वार्ड में यही समस्या पूरे है? वार्ड में समस्या यही है पानी की। हाँ जी, हाँ कल जी, कल रात नूं 2 बजे तक पानी छड़ दिया, जे कदे 1 2 दिन तो आंदा, रात नूं 2 बजे छड़नगे, 1 बजे 12 बजे वो उठ के रात नूं कौन भरे? कोई बीमार बंदा है परिवार दे विच हो रहा है उन्हूं संभाले के बंदा पानी कन्नी जावे, या आप गर्मी का मौसम दिन है में रेस्ट कल। करें या रात में हाँ जी करें, हाँ जी, ये गर्मी परेशानी का है। मौसम है, कल तो बच्चों नूं फ्लैश जान वास्ते पानी है नहीं सी टैंकियां च, आ इन्नी प्रॉब्लम आई पई है जी। ये जो समस्या आपको आ चलो रही है, बिल्कुल ये बात कितने है, दिनों से आ रही है? आइडिया मान के चलो 1 महीना हो गया जी। 1 महीने से हाँ जी हाँ लगातार जी समस्या आ रही है। हाँ जी, और कोई बोल किस किस रहे। तरीके की समस्या आ रही है आपको? पानी की आ रही है अच्छा बस, पानी का नहीं, बहुत परेशान है जी, ना, दिन में और मिले कितना ना टाइम रात हुआ आप समस्या में? में, 1 महीना हो गया। अच्छा, तो ये पहले भी आप आए हो, पहले भी आपने फोन फान किया होगा या किसी से रोज बात की? कहाँ रोज करा, ही करते अपन हैं, फोन फोन करा रोज करते हैं, तो क्या जवाब मिलता है आपको? छोड़ देंगे, अभी आ रहे, आएगा तो रात को आएगा, नहीं तो रात को कौन भरे आप। ये दर्जनों की संख्या में समस्या वार्ड बड़ी है, नंबर बहुत एक सारी है, इतनी सारी के वार्ड नंबर 1 के लोग हैं और वार्ड बड़े नहीं कोई परेशान सा हैं। हाँ जी, समस्या भाई जी, हमारे 3 साल में चलन आ रही है। अच्छा ठीक है, अच्छा अय्यन साहब जी ने, जय्यन साहब जी ने, राजेंद्र ने, सारा ने, मैं रोज फोन करूँ, डेली फोन करूँ, थे मेरे काल कड़वास को भी डेली फोन ने जाए होता कने, बिल्कुल बिल्कुल। है आपको काल कोई अय्यन जवाब साहब क्या जी ने फोन मिलता है? करो, आपको जय्यन जवाब क्या साहब जी ने मिलता है? फोन करो, ऐ क्या करवा देंगे करवा देंगे। रात जी पानी रात ने 3 बजे तक 2:30 बजे तक तो सारा हमारा गलिया जागता रहे, पानी को नहीं आवे, एक घर में पानी आओगो बिंगा बाद में किंगी को नहीं आवे, सिर्फ तो एक घर में इस पानी आओगो। संदर्भ में कोई आपने विधायक से या किसी अन्य जनप्रतिनिधि से भी कोई वार्ता की नहीं है? की जी, बिल्कुल, चलो, पाइपा अपने भी नहीं डलवा दी, फिर भी वही सिस्टम पड़े जी। पाइपें नहीं डलने के बावजूद ये नहीं हाँ आ नहीं रहा हुआ जी, और लगातार 2 3 साल से समस्या हाँ है। बिल्कुल है जी। पहले कह रहे थे जी मान लो चेन की पाइप डाला दो आप, हाँ जी, हमने छठ पटा के चेन की पाइप भी डला दी, अच्छा जी, पानी का फेर ही बहुत हालत है, पानी छोड़ते नहीं है। तो और ये वार्ड नंबर 1 की समस्या है या और वार्ड ना, एक मोटर नहीं है सारा तो, कथा ना बोल? जिनके घर में मोटर नहीं है तो उनके पानी तो आ ही नहीं सकता बगैर मोटर के, अच्छा, ये हालात है इसके, मोटर वाले भी वैसे नहीं तो है, आ ही नहीं सकता, वैसे तो आ ही नहीं वैसे तो आता सकता, ही नहीं है, आता ही नहीं है, अगर जिनके घर में मोटर से मोटर ही नहीं नहीं हो आता, तो मोटर से ही पानी आता दिन है, में वो पानी भी कभी के नहीं आता जी, दिन में तो रात पानी को आता ही नहीं छोड़ते है। हैं कर्मचारी, हमारी गली का ही है वो। अगर ये आपके इस ज्ञापन और इस तरीके की समस्या रखने से के बावजूद आपकी समस्या का सलटारा नहीं होता है, तो आपका आगे का कदम क्या रहेगा? आगे यहाँ धरना देंगे जी, और क्या करेंगे जी, यहाँ बिल्कुल पानी बिल्कुल, पीने का, SDM साहब को पीने का ज्ञापन SDM साहब देंगे, को आगे ज्ञापन धरना भी देंगे देंगे हम, हम धरना बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। और क्या और करेंगे ये जी। गर्मियों में बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, वो अन्य लोगों को, महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इसी संदर्भ में ये आज एकत्रित हुए हैं और SDM साहब को भी ज्ञापन दिया जाएगा, और अगर फिर भी सुनवाई नहीं की जाती तो इनका कहना है कि मजबूर होकर हमें धरना देना पड़ेगा।